हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आरके लॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक के और न्यू वीडियो में, जिसमें कि आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि ये फोर वे का गैंग बॉक्स है। ठीक है गाइस, सॉकेट और दो स्विच वाला बोर्ड आप एलसीडी के लिए यूज कर सकते हो, अपना चार्जर पॉइंट के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो आज मैं इसको आपको बनाकर सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने इसको बनाना है, कैसे कनेक्शन करने हैं, बहुत आसान तरीके से। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो गाइस, सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसमें चार स्विच भी लग जाते हैं इस तरीके से, और अगर हम चाहे सॉकेट लगाना है इसमें तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये हमें खाली करना पड़ेगा। ये देख सकते हो आप, कट का निशान है। इसको हमें कैसे खाली करना है, ऐसे प्लास से पकड़ के और इस तरीके से हमने इसको निकाल देना है। ये देखो, अब क्या होगा कि इसमें सॉकेट लग जाएगी आराम से। तो ठीक है गाइस, ये देख लो। तो अब ये हमारा फिट हो चुका है, बहुत आराम से फिट हो गया। ये आपने देखा कि मैंने इसका स्क्रू लगा के दो स्विच और सॉकेट एक फिट कर दिया। ठीक है गाइस, तो अब हमारा काम आ जाता है फर्स्ट काम, कि हमने सबसे पहले करना है कि स्विच के नीचे से हमने एक वायर जोड़नी है जो कि हमारे फेस की वायर होगी। तो उस वायर को हमें क्या करना है, दोनों में शॉर्ट कर देना है। ठीक है गाइस, तो ये हमारे पास वायर है, आप अपने लोड के अकॉर्डिंग इसमें वायर डाल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको इसके बराबर ऐसे नाप लेना है। ये ठीक है, इतनी है। मैंने इसको इस तरीके से छील लेना है, फिर इसको लगा देना है स्विच के निचली साइड में। ये हमारा नीचे पॉइंट होता है जो ये प्लेन होता है, ये देख सकते हैं। इसको मैंने इधर से करना है, फेस का जो आउटपुट होगा वो हमें सॉकेट में जोड़ना है। ठीक है गाइस, और सॉकेट में हमें फेस जोड़ना है राइट साइड। तो उसके लिए मैंने एक इतनी लूपिंग कर लेनी है, ये देख सकते हो लूपिंग। फेस स्विच होता है, स्विच के ऊपरले पॉइंट पे मैंने इसको लगाया। ठीक है गाइस, ये लगाया स्विच के ऊपर पॉइंट, ताकि जब हमारा फेस डायरेक्ट नीचे आएगा और जब हम स्विच को ऑन करेंगे इस तरीके से, तो हमारा फेस यहाँ से घूम कर यहाँ पे आएगा और यहाँ से सॉकेट में हो जाएगा, तो फिर हमारी सॉकेट जो है काम करने लगेगी। ये लग गया हमारा लूपिंग ऊपरली साइड, और ये मैंने लगा देना सॉकेट में, ये लगा दिया सॉकेट में। ठीक है, राइट साइड पर लगाना होता है फेस। तो ये हमारा आ गया इधर, ये लग गया हमारा फेस कंप्लीट हो चुका है सॉकेट को। ठीक है, अब दूसरी सॉकेट को भी सेम तरीके से हमने फेस दे देना है। दोनों को हमारे फेस मिल गया, इस स्विच से यहाँ पे फेस आएगा, इस स्विच से यहाँ पे। अब हमारा काम रह गया इसमें न्यूट्रल, तो न्यूट्रल को मैं जोड़ देता हूँ इसमें। ये हमने एक तार का टुकड़ा लिया जो कि हम एक सॉकेट में लगाएंगे और दूसरी साइड लूपिंग कर देंगे, और तीसरा पॉइंट जो हमारा होता है इसमें सॉकेट में, वो भी मैं बता दूंगा आपको कि वो किस लिए होता है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। ये तीसरा पॉइंट हमारा होता है इसमें अर्थिंग के लिए, जैसे कि घरों में अर्थिंग करवाते हैं अपना। ये हमने न्यूट्रल यहाँ से उठाया और इसमें से जोड़कर इसमें लगा दिया, ताकि न्यूट्रल हमारी दोनों सॉकेटों को मिल जाए और हमारी दोनों सॉकेटें काम करें, क्योंकि न्यूट्रल और फेस ही ज़रूरी होते हैं सॉकेट के लिए। ये जुड़ गया इसको, ठीक है गाइस, ये देख सकते हो। तो अब ये हमारी सॉकेट काम करेगी अच्छे से, ये देखो। अब मैं समझा देता हूँ आपको, ये हमने फेस लिया, ठीक है, तो फेस हमने डाला अपना स्विच के नीचे, दोनों में सेम, ठीक है, और इसके स्विच के ऊपर जो सेकंड पॉइंट है, इससे जो आउटपुट आएगा वो हमारे सॉकेट में आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो ये यहाँ से फेस यहाँ पे आएगा और न्यूट्रल हमारी डायरेक्ट आएगी इसमें, तो न्यूट्रल और फेस मिलने से ये सॉकेट काम करेगी। और यहाँ से हमने एक सॉकेट से उठाई न्यूट्रल और दूसरी सॉकेट में जोड़ दी है, और जो ये हमारी मेन न्यूट्रल आई है उसमें लग गया, तो इससे दोनों को न्यूट्रल मिलेगी। ठीक है गाइस, ये तो हो जाता है हमारा न्यूट्रल और फेस, और ये तीसरा पॉइंट जो आता है हमारा, ये आता है अर्थिंग का पॉइंट इन दोनों में। ठीक है गाइस, अगर आपने घर में अर्थिंग कराई हो तो आप अर्थिंग की वायर इसमें जोड़ दोगे, उससे क्या होगा हमारे जो भी फ्रिज वगैरह कोई भी चीज़ होती है तो उसको जो है शॉर्ट का खतरा कम हो जाता है। ठीक है गाइस, तो हमारे यहाँ अर्थिंग नहीं है तो हमने इसको वायर नहीं जोड़ा है, तो मैं आपको एक बार ये बोर्ड टेस्ट करवा देता हूँ गाइस। ये देखो,